मेरे प्यारे सिवान वासियों, मैं अभी बैठा हूँ सिवान बीआरसी में। सारे शिक्षकों का सर्विस बुक जमा कराई, पैसा दीजिए तो सर्विस बुक मिलेगा, लोग मर रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, नमो बुधाय, जय भीम। सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ में मीडिया ब्यूरो सोनू देव। हम बात कर रहे हैं बिहार के सिवान जिला के शिक्षा विभाग के बारे में। शिक्षक व एडवोकेट राजदेव बौद्ध ने कहे कि शिक्षा विभाग में सर्विस बुक जमा करे तो पैसा दीजिए और सर्विस बुक यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो पैसा दीजिए। आइए चलते हैं शिक्षा विभाग के बीआरसी में लाइव। मेरे प्यारे सिवान वासियों, मैं अभी बैठा हूँ सिवान बीआरसी में, और सिवान बीआरसी में आने के बाद तरह तरह का कुछ खेल देखने को मुझे मिला। अब वो खेल का वर्णन मैं नहीं करूँगा। शिक्षा विभाग ने सारे शिक्षकों का जो है सारे शिक्षकों का सर्विस बुक जमा कराई, पैसा दीजिए तो सर्विस बुक मिलेगा, तो पैसा लो दे रहे हैं। फिर भेज दिया गया बीआरसी में, अब वहाँ से जाकर लो सर्विस बुक लग रहा है। कितना कठिनाई है, धूप चल रहा है, लोग मर रहे हैं। फिर यहाँ से सर्विस लेकर किसे लिखवाइए, तो बिना चढ़ाई लिखाई भी नहीं होगा सब। फिर जाइए वहाँ जमा करने के लिए, तो फिर वहाँ से जाइए वित्त विभाग में, तो ये क्या हो रहा है। शिक्षा विभाग गुरु लोग हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। स्कूल में शिक्षा देते हैं छात्रों को कि हमें नैतिक बन करके देश को नाम करना है, आंखों के सामने रिश्वत लिया जा रहा है, टकटकी निगाहों से सभी लोग देख रहे हैं। और गुरु जो गुरु से बड़ा कोई नहीं है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसा लिखा गया है। गुरु सबसे महान है, आ गुरु से ही लिया जा रहा है। गुरु को दिया जाता है दक्षिणा, आ गुरु जी देते हैं दक्षिणा उल्टा। हाय रे देश बिहार, हाय रे सिवान। तो मैं आप लोगों से यही बताना चाहता हूँ कि देखिए भाई, कथने करने में बड़ी अंतर है। मंच पर लोग बोल देते हैं कि शिक्षक को सम्मान होना चाहिए, शिक्षक दिवस मनाते हैं, शिक्षक सबसे समाज का बहुत बड़ा पर्सनालिटी है, लेकिन ऑफिस में शिक्षक का क्या औकात है। एक क्लर्क बोलता है, तनी पान ले मठ साहब, तनी चाय मांगिए मठ साहब। आ वो गुरु जी जाकर क्लर्क को प्रणाम करते हैं, प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। ये क्या पतन हो गया भाई, समाज कहाँ जा रहा है। ये वीडियो बनाना, मैं बीआरसी में बैठा हूँ, सिवान बीआरसी में मैं बैठा हूँ, यहीं से एक वीडियो बना रहा हूँ। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने कमेंट बॉक्स में जा कर के लिखिएगा कि मेरी बात सही है कि नहीं। एक और बात बताना चाहते हैं, सिवान में सब जिला में हेडमास्टर का प्रमोशन हो गया और सिवान जिला में प्रमोशन नहीं हुआ। सिवान जिला में प्रमोशन क्यों नहीं हुआ भाई, हाई कोर्ट का आदेश आया है, डायरेक्टर का चिट्ठी है, और यहाँ दो शिक्षक ग्रुप है, आप दोनों मिलकर कहता है कि ना प्रमोशन नहीं होना चाहिए। कहाँ है भाई, नहीं होना चाहिए। 211 की सूची है जिसमें 100 केवल शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, तो समय से प्रमोशन हो जाता तो आर्थिक लाभ मिलता। गोपालगंज में हो गया, छपरा में हो गया, वहाँ सब HM लोग बने हुए हैं, और यहाँ प्रत्याशा में लोग बने हैं। जो DPO आता है बहाना बनाकर चल जाता है, ट्रांसफर हो जाती है, जिला पदाधिकारी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जी ने भी पर भी किया, रमेश सिंह कुशवाहा, अमरजीत कुशवाहा बिहार विधानसभा में क्वेश्चन किए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। ये क्या समाज में मैंने शिक्षा जा रहा है ऐसे, ये शिक्षा विभाग के द्वारा कि अब किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। DO DPO तमाम लोग के आदेश मिलने के बाद अभी चिट्ठी आई है कल परसों डायरेक्टर का, बिहार सरकार निर्णय